हे एवरीवन, मैं हूं शुभि और आप देख रहे हैं ग्लैम अप। परिधि शर्मा उन रेयर एक्ट्रेसेस में से है जिन्होंने कभी रिवीलिंग कपड़े नहीं पहने और करियर बनाने से पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो रिवीलिंग ड्रेसेस नहीं पहनेंगी और सोबर रोल्स ही चूज करेंगी। वैसे ऐसे में किसी एक्टर के लिए करियर बनाना काफी टफ हो जाता है, बट परिधि ने फिर भी अपनी पहचान बनाई। वहीं ऑन द अदर हैंड, वो जिस दिन शादी होकर आई थी उसी दिन उनकी मदर इन लॉ ने उन्हें कह दिया था कि तुम्हें सब तरह के कपड़े पहनने की फ्रीडम है और तुम जैसे चाहो वैसे रह सकती हो। परिधि ने शादी के बाद अपने करियर की शुरुआत कैसे की और कितने रोल्स अब तक वो निभा चुकी है, उनके बचपन से लेकर अब तक की करियर जर्नी जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। पर उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। सामने चूल्हा जल रहा है, वहाँ आँखों में लग रहा है, जलन भी है आनंद भी। परिधि शर्मा का जन्म 15 मार्च 1987 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स नरेंद्र एंड रश्मि शर्मा के अलावा उनके दो भाई और एक सिस्टर भी है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग एमरल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल से कंप्लीट की और उसके बाद प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च पुणे से उन्होंने एमबीए किया और वो अपने एमबीए की टॉपर भी रह चुकी है। पर अपनी स्टडीज खत्म कर लेने के बाद ही परिधि ने अहमदाबाद बेस्ड बिजनेसमैन तन्मय सक्सेना से साल 2009 में शादी कर ली और उसके बाद उन्होंने अपना करियर टीवी इंडस्ट्री में बनाया, जो किसी एक्ट्रेस की शादी हो जाने के बाद रेयरली ही पॉसिबल हो पाता है। परिधि तन्मय से कॉलेज डेज में एमबीए के दौरान मिली थी और तभी से वो एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे और काफी जल्दी ही दोनों ने शादी भी कर ली। बट फिलहाल वो अपने करियर के सिलसिले में विद फैमिली मुंबई ही शिफ्ट हो चुकी है और उनका एक बेटा भी है। बचपन से उनका इंटरेस्ट एक्टिंग में था, पर उनमें कभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो इस इंडस्ट्री में आ सके, पर क्लासिकल डांस में वो बचपन से ही ट्रेन रही है। पर शादी के बाद उन्होंने अपने एक्टिंग के सपने को पूरा करने का सोचा और वो मुंबई चली गई। बट इस इंडस्ट्री में आने से पहले वो काफी टाइम तक थिएटर कर चुकी है और टेलीविजन ब्रेक मिलने तक वो लगातार ऑडिशंस देती रही। करियर की स्टार्टिंग में उन्होंने काफी प्रिंट शूट्स और टीवी कमर्शियल्स में काम करके अपने करियर की शुरुआत की थी और 2010 में स्टार प्लस के शो तेरे मेरे सपने से मीरा और रानी के रोल से टीवी डेब्यू मिला, जो काफी छोटा रोल था। इस शो में 2 साल काम करने के बाद वो स्टार प्लस के एक और शो रुक जाना नहीं में एज अ पैरेलल लीड कास्ट की गई और उन्हें थोड़ी बहुत रिकॉग्निशन भी मिली। इस शो में उन्होंने लीड कैरेक्टर सांची की फ्रेंड का रोल निभाया था और क्योंकि ये उनका पहला शो था इसलिए शो से उन्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। पर अब तक परिधि लीड रोल ग्रैब नहीं कर पाई थी और वो लगातार ऑडिशंस देती रही, तब कर लिया गया, जिसके लिए परिधि आज तक भगवान और एकता कपूर के लिए बहुत ग्रेटफुल है। और ये शो उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और उनकी और रजत टोकस की एक्टिंग सभी को बहुत पसंद भी आई और ये शो टीआरपी में नंबर 1 पर बहुत सालों तक रहा। परिधि के इस रोल ने उनके करियर के सारे दरवाजे खोल दिए। उसके बाद वो ये कहां आ गए हम, पटियाला बेब्स, जगजननी माँ वैष्णो देवी जैसे कई शोज में देखी गई। इन सब रोल्स में परिधि की एक्टिंग हमेशा ही फैंस के द्वारा पसंद की गई, पर पटियाला बेब्स में उनका और अश्नूर कौर का रिश्ता सभी का आज तक फेवरेट रहा है और ये शो बहुत लंबे टाइम तक टीआरपी के टॉप शोज में रहा। साथ ही माँ वैष्णो देवी में उन्होंने पूजा बनर्जी को रिप्लेस किया था। इसके अलावा वो कलर्स टीवी के शो कोड रेड को होस्ट भी कर चुकी है, साथ ही वो अपना प्रोडक्शन हाउस लेलीहाना क्रिएशंस भी लॉन्च कर चुकी है। रिसेंटली वो चीकू की मम्मी दूर की में अगेन एक माँ का रोल निभा रही है और ये शो भी व्यूअर्स को बहुत पसंद आ रहा है। आपको परिधि शर्मा कैसी लगती है और उनकी ये अनजानी लाइफ स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मैं ऐसी ही लाइफ स्टोरी वीडियोस लाती रहूंगी, पर उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मुझे कमेंट करके अपना प्यार जरूर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी। बस आते ही होंगे, जल्दी से संध्या पूजा हो जाए, जानती है वो क्या कहेंगे।